राजस्थान की सबसे बड़ी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते करते आज अचानक ट्रोल होने लगे लोगों ने भाटी की तस्वीर शेयर करते हुए जातिवादी होने का ठप्पा लगा दिया जिसके चलते एक्स पर हैश टैग जातिवादी रविंद्र भाटी टॉप ट्रेंड चार्ट में सबसे ऊपर नजर आने लगा राजस्थान की जनता भाटी से पूछ रही है कि एक अपराधी के मरने पर निर्दलीय विधायक इतना दुखी क्यों है क्या युवा नेता की स्वजातीय से कोई मर्डर भी करे तो भी दोषी नहीं है क्या ऐसे अपराध के लिए धरना देना चाहिए इन सभी सवालों को बुधवार सुबह बाड़मेर जिला कारागृह में हुई एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत से जोड़कर देखा जा रहा है जिसको लेकर प्रदेश भर में सियासत गरमाई हुई है हत्या के मामले में जेल गए मृतक आरोपी के परिजन इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जेल प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं उनका कहना है कि मृतक कैदी पिछले 20 दिनों से बीमार था लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसके इलाज में लापरवाही बरती जिस कारण से जेल में ही उसकी मौत हो गई दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक कैदी के परिजन कल से ही कारागृह के सामने धरने पर बैठे हैं उनके समर्थन में रविंद्र सिंह भाटी भी धरने पर बैठ गए और उन्होंने आज महापड़ाव की चेतावनी दी है जिला प्रशासन के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी इस विवाद का कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भाटी आज महापड़ाव का ऐलान कर सकते हैं लेकिन इससे पहले ही सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई है